की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी को विशेष रूप में ट्रेजेडी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय के लिए याद किया जाता है। मीना कुमारी एक्ट्रेस के साथ ही एक उम्दा शायरा और पार्श्वा गायिका भी थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में वर्ष 1939 से लेके 1972 तक अपने अभिनय से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। वह मात्र 39 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। मीना कुमारी ने बॉलीवुड में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। वर्ष 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा से उन्हें हिंदी सिनेमा में खासी पहचान मिली। इस फिल्म की सफलता के बाद वो लगातार आगे बढ़ती रहीं। वर्ष 1951 में फिल्म तमाशा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की मुलाकात डायरेक्टर कमाल अमरोही से हुई, जो उनके प्रति हमदर्दी जताने लगे। यहीं से दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन मीना को कमाल की दूसरी बीवी का दर्जा प्राप्त हुआ। मीना कुमारी की लोकप्रियता के वजह से कमाल ने उन पर शक करना शुरू कर दिया और कई पाबंदियां लगा दी। धीरे धीरे उनमें अनबन होने लगी और वर्ष 1964 में दोनों का तलाक हो गया। अपने पति से अलग होने के बाद मीना कुमारी की नजदीकियां ही मैन धर्मेंद्र से बढ़ने लगी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में खड़ा करने का श्रेय मीना को ही जाता है। दोनों का रिश्ता 3 साल तक चला। इसके बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। धर्मेंद्र से ब्रेकअप के बाद मीना कुमारी खुद को अकेला महसूस करने लगी। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। वह शराब की लत के कारण दिन रात नशे में डूबी रहती थी। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। ज्यादा शराब पीने के कारण उन्हें लिवर सिरोसिस बीमारी हो गई और बीमार रहने लगी। जिंदगी में मिले धोखे से तनाव, नशा और बीमारी के कारण मीना कुमारी ने महज 39 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका निधन 31 मार्च 1972 को हो गया था।